हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग जो है वो कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने अस्तर की कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। तो इसके बाद जैसे ये ब्लाउज साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज है, तो ये ब्लाउज की कटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे अस्तर इसके ऊपर रख के कैसे कट करना है। और ये जो है ये हमारी बॉर्डर है, जैसे ये किनारे पे बॉर्डर थी हमने इसको निकाल दी है। आप चाहे तो बैक साइड में भी इसकी डिजाइन बना सकते हैं, नहीं तो स्लीव्स के ऊपर भी आप बना लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले अस्तर ये जो साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज है इसको हमें खोलना है। पहले हमें सीधे और उल्टी साइड हमें इसकी पहले देखनी है। अभी यहाँ पे हमारी ये सीधी साइड है और ये जो है ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड को हम इस तरह से ऊपर रखते हैं। पहले हमें ये जो बैक साइड है, बैक साइड पहले हमें इसके ऊपर रखनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये बैक साइड जो है वो रखी है। बैक साइड हमने इसके ऊपर रखी है, नीचे के साइड में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लेना है। और ये जो है ये गले का मार्किंग है, यहाँ पे हमारे ये गले का मार्किंग है। और जब भी हम अस्तर रखते हैं और ब्लाउज साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज होता है इसे हमें क्या करना है, जैसे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस तरह से हमें ये आधा इंच जो है इस तरह से हमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं और यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमें इसको कट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये बैक साइड कट की है। इसको हम अच्छे से रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रखा है। और इसके जो कटोरी के साइड का जो पार्ट है, कटोरी के साइड का जो पार्ट है पहले हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इसे हमें इस तरह से रखना है। जैसे भी कपड़े में एडजस्ट हो जाएगा वैसे आपको रखना है, ऐसा कोई नहीं है कि सीधा रखना है नहीं तो ये साइड जैसे किनारे पे आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा आपका कपड़े में वैसे आपको लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे पूरे साइड में हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस तरह से हमें ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसकी हमें कटिंग करनी है। यहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको कट करना है। पूरे साइड में हमने ये आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पार्ट जो है इस तरह से निकाला है। अभी यहाँ पे हमें जैसे ये जो है ये डबल कपड़ा है हमारा, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स में हम ज्वाइंट नहीं आने देंगे, इसीलिए हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखते हैं और ये जो अस्तर का ज्वाइंट है यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है। यहाँ पे भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हमारे ये सेंटर है, यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। इसे हम निकालते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पे रखेंगे।
अभी यहाँ पे हमें कटोरी को इस तरह से रखना है। जैसे भी आपकी कटोरी कपड़े में बैठती है वैसे आपको रखनी है। इस तरह से हमने ये कटोरी जो है कटोरी का पार्ट हमने निकाला है। अभी यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है। इस तरह से हम क्रॉस पट्टी को रखते हैं। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी को भी हमने आधा आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कैसे कट किया है। पहले हमें ये जो बैक साइड है ये देखिए यहाँ पे हमने नीचे के साइड में भी एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे साइड में भी एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पे भी हमने साइड में एक्स्ट्रा लेके लिया है और ऊपर के साइड में भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। जब हम अस्तर को ब्लाउज का जो ब्लाउज है और ब्लाउज और अस्तर को ज्वाइन करेंगे तब हमें एक्स्ट्रा जो होता है उसको हमें कट करना पड़ता है। तो पहले हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अभी ये कटोरी जो है जब भी हम अस्तर की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अस्तर जो होता है ये अस्तर जो होता है उसको हमें परफेक्ट कटिंग करनी पड़ती है और जो साड़ी का जो ब्लाउज होता है इसे हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने चारों ओर से इसे भी हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अभी यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स है, स्लीव्स को हमारे अस्तर के स्लीव्स को हमारा ज्वाइंट आया है लेकिन जो साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज है इसमें हमें ज्वाइंट नहीं है आना है। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर को यहाँ पे स्टिच करेंगे उसके बाद इसको बाजू के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने ये बाजू की कटिंग की है। अभी यहाँ पे हमारा ये कटोरी के साइड का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे हमने कटोरी का साइड का पार्ट है, यहाँ पे भी हमने पूरे साइड से आधा आधा इंच जो है इसे हमने कट किया है। यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी, जैसे डबल क्रॉस पट्टी निकालनी पड़ती है तो ये अस्तर के दो क्रॉस पट्टी हमने निकाली है और यहाँ पे हमने ये साड़ी में से दो पट्टी निकालती है वो निकाली है। तो यहाँ पे भी हमने चारों ओर से हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा ये देखिए इसमें से हमें पाइपिंग बनानी है और पट्टियाँ जो बनाते हैं हुक और आई की पट्टी जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से हमें ये अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग जो है कि अस्तर की कटिंग मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने अस्तर के कटिंग जो है परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको दिखाई है। उसके साथ में आपको साड़ी में से निकला हुआ जो ब्लाउज होता है तो अस्तर को रख के इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इसकी स्टिचिंग भी मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।